बीजेपी अडानी और अंबानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकारी खर्चे से। ये मोदी जी देश के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए कर रहे हैं। आरएसएस जो है उससे बंदूक भी चलवा सकती है और मस्जिद पे लाउड स्पीकर बनवाने का काम भी लिया जा सकता है। किसानों का सर्वनाश किया, व्यापारियों का सर्वनाश किया, अब देश के युवाओं का सर्वनाश करने पर तुले हुए। ये गरीबों का सपना तोड़ने का काम किया है। बेरोजगारी दर पिछले 48 साल में सबसे नीचे चला गया हो। आप इस तरह का मजाक कर रहे हैं बेरोजगारों के साथ। दुखद और दिलचस्प ये है किस तरह से मीडिया इसके बचाव में आ गई है। कुल ये ईवीएम की सरकार है, बेईमान सरकार है, डिब्बे की सरकार है ये। गजेंद्र, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, वो जाति से राजपूत है, मतलब सवर्ण, और उसने पीएचडी कर रखी है। रात को तकरीबन 11:30-12 बजे उसका फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि मुझे 6-7 हज़ार की भी यार नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें। हमने पूछा क्या कर रहे हो, बोला 6-7 हज़ार की भी नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें। ये मेरे एक राजपूत दोस्त की कहानी है जो सवर्ण है, पीएचडी की उपाधि है और 6-7 हज़ार की भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये स्थिति है इस देश में। ऐसी स्थिति में जो फौज की नौकरियां जो सुरक्षित समझी जाती थी, फौज की नौकरियों को ऐसी नौकरी मानी जाती है जो गरीब घर का बच्चा है, जो गरीब घर का बेटा है, अपने बच्चों वो कुछ ना कर सके, कम पढ़ा लिखा भी हो तो अगर उसकी शारीरिक बनावट ठीक होती थी, हेल्थ ठीक ठाक होता है, तो वो नौकरी का सपना उसके माँ बाप देखते थे, गांव वाले देखते थे, समाज देखता था कि इस तरह की नौकरी, फौज की नौकरी मिल गई, मतलब सरकारी नौकरी में चल गया। अब वो सपना भी आपने तोड़ दिया, आपने गरीबों का सपना तोड़ दिया। ये गरीबों का सपना तोड़ने का काम किया है। और जिस देश में बेरोजगारी दर पिछले 48 साल में सबसे नीचे चला गया हो, उस देश में आप इस तरह का मजाक कर रहे हैं बेरोजगारों के साथ। और सबसे दुखद और दिलचस्प ये है कि किस तरह से मीडिया इसके बचाव में आ गई है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, किस तरह से इस योजना को प्रचारित करते जा रही है। अभी कैलाश विजयवर्गीय का शायद एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे अगर गार्ड की नौकरी अपने ऑफिस में देनी पड़े तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तो आप समझ लीजिए बीजेपी का प्लान क्या है। वो आपके लिए गार्ड, अपने लिए वो गार्ड तैयार कर रहे हैं, उनके लिए जो गार्ड का काम तैयार करे। बीजेपी अडानी और अंबानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकारी खर्चे से। ये मोदी जी देश के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए कर रहे हैं कि ट्रेनिंग देकर उनको अडानी और अंबानी की सेवा में सिक्योरिटी गार्ड बनाकर लगाया जाए। या तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग जो कहते हैं, हम लोगों को एक यह भी संभावना लगती है, एक ऐसा यूथ जो 20-22 साल का है, बंदूक की ट्रेनिंग लिया रहेगा, गोली चलाने का कॉन्फिडेंस होगा, लाइसेंस होगा, तो वह क्राइम ही करेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह उनको आरएसएस जो है उससे बंदूक भी चलवा सकती है और मस्जिद पे लाउड स्पीकर बनवाने का काम भी लिया जा सकता है। लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बड़ा रिफॉर्म है ये सेना में। ये मोदी जी का रिफॉर्म तो पूरी दुनिया देख रही है। किसानों के लिए रिफॉर्म किया, किसान बिल लेकर आए, नोटबंदी लेकर आए, अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी। अब जो है युवाओं के लिए यह रिफॉर्म लेकर आई है, 4 साल की नौकरी, मतलब जिस उम्र में उनके पिताजी नौकरी कर रहे होंगे बेटा रिटायर हो रहा होगा, ये रिटायरमेंट प्लान लेकर आए हैं। तो इस तरह ये लोग कर रहे हैं, इस तरह देश में मोदी जी यही करना है उनको। किसानों का सर्वनाश किया, व्यापारियों का सर्वनाश किया, अब देश के युवाओं का सर्वनाश करने पर तुले हुए। लेकिन जो फौज में जाति या समूह आधार पर जो रेजिमेंट है उससे तो छुटकारा मिलेगा। आप इसके बहाने क्या क्या करना चाहते हैं, देश से रोजगार की संभावना खत्म कर देंगे। आप जो है रोजगार तो दे रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि जाति रेजिमेंट खत्म करना है, दूसरी तरफ आप 27 मिनिस्टर बनाते हैं तो उसका प्रचार करते हैं। तो आप जाति कितना आपको खत्म करना है समझ में आती है लोगों को। खुद ही कहते हैं मैं पिछड़े का बेटा हूँ, खुद को पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाते हैं, बताते हैं और कहते हैं आपको जाति खत्म करना है। दलित नहीं दे, अच्छा अच्छा, तो उधर फिर क्यों नहीं हिस्सेदारी हुई, जब फौज में रेजिमेंट है तो उसको भी हिस्सेदारी बताए। ये सब नाटक है, इस नाटक को भारत की जनता अच्छे से समझती है और युवा उसको अच्छे से समझते हैं। आप बताइए भाई, किसान को बिल नहीं चाहिए था, थमा दिया, अब युवाओं को उनका ये स्कीम नहीं चाहिए, थमा दिया, सुसाइड कर रहे हैं महाराज। और ये आदमी कहां से समझेगा, जिसके अपने बच्चे ना हो वह बच्चे खोने का गम कहां से समझेगा।
जिसका अपना बच्चा बेरोजगार नहीं हो, वह बेरोजगारी का गम कहां से समझेगा। रोजगार देने का तो माध्यम 10 से 15 लाख नौकरी हर साल दी जाएंगे। वो मोदी जी ने तो हर साल 2 करोड़ देने का वादा किया था, अब ये जो 10-15 करोड़ नौकरी है वो उसी 2 करोड़ में एकोमोडेट किया जाएगा, या ये नया वाला 10-15 लाख नौकरी है तो मोदी जी ने बताया नहीं। देश की जनता कंफ्यूज है कि कौन सा ये नया नौकरी जो है 10-15 लाख हर साल, ये पुराने वाले 2 करोड़ में जुटेगा ये, या कि नया ये सृजित करेंगे नौकरी का अवसर। सरकार ने समझाया तो युवाओं की समझ में देखे आ रहे हैं, पहले आप लोगों ने युवाओं की समझ में आ रहा है, इसीलिए तो युवा भड़के हुए हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। युवा भड़के हुए, युवा समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए, और इस चुनाव में युवा समझा भी देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि नीति का विरोध नहीं है, भाजपा का विरोध करते हैं। बिल्कुल, नीति और भाजपा अलग कैसे, अभी सरकार है, भाजपा की नीति बना रही है भाजपा, तो भाजपा और भाजपा की नीति दोनों का विरोध होगा, एक दूसरे से भाजपा और सरकारी नीति अलग कैसे हो गई। सरकार भाजपा की है, नीति भाजपा बना रही है, दोनों का विरोध है ये। नीतियां तो वही बना रही है जो लोग चाहते हैं, ये लंबे समय से चर्चा। अगर आप उसी पे नीति बनाते तो नोटबंदी से 1000 लोग मारे नहीं जाते, 500 किसान मारे नहीं जाते, सड़क पर नहीं उतर जाते 2 साल के लिए किसान। कांग्रेस और भाजपा अलग कैसे है भैया, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है, तो आप कैसे, मैं उसका पक्ष कैसे, हमारे लिए इस देश के दलितों के लिए दोनों बराबर है। तो अच्छा कौन है आपके लिए, इस देश की सरकार आएगी, जनता की सरकार होगी, नई संभावना पर बात होगी, नए विकल्प पर बात होगी, नया विकल्प आएगा उभर कर। बिल्कुल, ये ईवीएम की सरकार है, बेईमान सरकार है, डिब्बे की सरकार है, ये ईवीएम के डिब्बे की सरकार है। जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप, या आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ईवीएम बेईमान है, ईवीएम की बेईमानी हमने देखा है, किस तरह डीएम ने को भी बयान देना पड़ा था बनारस में, अब तो ईवीएम ही बदल दे रहे हैं, तो ये तो बेईमानी की सरकार है। और लोगों का वोट, ये जनता का वोट, जनता को ठग कर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भावनाओं के आधार पर लोगों को ठग कर ये वोट लेते हैं। लेकिन सेना के कई बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ये वापस तो नहीं होगी इसकी। अब देखिए, वापस होना ना होना इस सरकार के मन मर्जी पर, लेकिन जो गलत है वो गलत है, हम लोग गलत का हमेशा खिलाफत करते रहेंगे। जिस योजना की वजह से हमारे छोटे भाई सुसाइड कर रहे हैं, जिस योजना की वजह से हमारे छोटे भाई रेल में आग लगा रहे हैं, वह योजना गलत है, हम ऐसा मानते हैं। तो आरोप लगा रही है सरकार आप जैसे लोगों ने। अब सरकार का काम है आरोप लगाना, लगाए, लेकिन जो सच है, जो मौतें हुई है, जो आत्महत्या हुई है, वह सच है। रेलवे के डिब्बे पर आग लगी है, वो सच है। लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह सच है, हम उसके खिलाफ हैं।